पेज नंबर 17 में ट्राई दीज का पार्ट वन लेते हैं। कह रहा राइट द रैशनल नंबर्स फॉर ईच पॉइंट लेवल विद अ लेटर। ओके सुनिए ध्यान से, एक नंबर लाइन दी हुई है, इसमें ए लेटर से, बी लेटर से, सी लेटर से, डी लेटर से, ई लेटर से कौन से रैशनल नंबर दिखाए गए हैं ये आपको बताना है। जैसा कि ए के नीचे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, ये वाला पॉइंट किसको बता रहा है रैशनल नंबर 0/5 को, ये वाला पॉइंट किसको बता रहा है 2/5 को, ये वाला पॉइंट किसको बता रहा है 3/5 को, उसी तरीके से आपको ये वाला पॉइंट किसको बता रहा है 6/5 को, है ना। उसी तरीके से आपको बताना है कि ए पॉइंट कौन से रैशनल नंबर को बता रहा है, बी पॉइंट, इसीलिए ए बी सी डी ई के नीचे क्या लगा है क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। तो ये हमें बताना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पे डायरेक्ट देख रहे हैं तो पिन कमेंट चेक करिए और रैशनल नंबर्स वाले एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करके बच्चों ये टॉपिक पढ़ लीजिए, सेक्शन 1.3 जो हमने पढ़ा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ तो मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। अगर फील लेना है, कमांड लेना है, कोई भी क्वेश्चन करना है तो उस वीडियो को पक्का देख लीजिए। ओके तो चलिए इसको मैं सॉल्व कराता हूँ बच्चों, ध्यान से चेक करिए। पता है क्या चल रहा है, देखो ये क्या है 0/5 है, तो इसके बाद यहाँ 2/5 आ रहा है, तो पक्का ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है ये क्या होना चाहिए 1/5, यानी कि ए किसको दिखा रहा है 1/5 को, ये फिर 2/5 है, ये क्या है 3/5, तो बी किसको दिखा रहा होगा 4/5 को, और सी किसको दिखा रहा होगा 5/5 को। तो आपका आंसर है ए दिखा रहा है 1/5 को, बी दिखा रहा है किसको 4/5 को, सी दिखा रहा है 5/5 को, फिर 6/5, 7/5, तो डी दिखा रहा होगा 8/5 को, ई दिखा रहा होगा 9/5 को। ओके बस आंसर आ गया आपका, आप खुश हो गए। प्रिंट कमेंट चेक करो, डाउट क्लियर करो अपने सारे। अब चल क्या रहा है थोड़ा बहुत हम आपको बताते हैं बच्चों, एक्चुअल में पता है क्या चल रहा है, चल ये रहा है, अगर आप ध्यान से चेक करें, चल ये रहा है 0/5 का मतलब क्या होता है 0, तो ये नंबर 0 होगा, और 5/5 का मतलब क्या होता है, 5/5 का मतलब पता है 1 होता है, यस सर, 5 1 5 5 1 5 1/1 1, तो सी दिखा रहा है किसको 1 को दिखा रहा है, पता है थोड़ा सा लिख देता हूँ समझ लेना, सी दिखा रहा है किसको 1 को। 0 और 1 के बीच में टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। अब समझे बात, जब हम 0 पे हैं तो 5 में से हमने इसका मतलब 0 पार्ट लिया है, मतलब कोई पार्ट ही नहीं लिया। जब हम A पे हैं तो इसका मतलब टोटल 5 पार्ट्स हैं, 0 और 1 जो कि यूनिटी डिस्टेंस होता है, 0 और 1 के बीच में टोटल कितना है 5 पार्ट्स है, देखिए 1 2 3 4 5, और उसमें से हमने 1 पार्ट लिया, 5 में से 1 पार्ट लिया, 1/5 का मतलब है, ठीक। तो आप यहां पहुंच जाओगे A पे, ठीक। ये वाला पॉइंट किसको बता रहा है 2/5 को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब टोटल 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट्स हैं 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5, आपने 5 में से 2 पार्ट लिए, 5 में से 3 पार्ट लिए, 5 में से 4 पार्ट, 5 में से 5 पार्ट्स, पूरे पार्ट्स ले लोगे तो 1 ही तो आएगा, ठीक। पूरे का मतलब क्या होता है, होल का मतलब क्या होता है, 1 ही तो होता है, ठीक बच्चों। तो ये कहानी चल रही है, इसको डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है आपको कहां पर, पिंड कमेंट में चेक करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, रटिए मत बच्चों क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ओके चलो बहरहाल यहाँ पे आइए बच्चों, देखिए अब आप आगे बढ़ोगे इसी तरीके से, 1 ये 1 है, अब 1 के आगे फिर से चलोगे, लेकिन सर कहाँ तक, जैसे कि 0 और 1 के बीच में यूनिटी डिस्टेंस होता है, वैसे ही 1 और 2 के बीच में, यहाँ कहीं 2 आता होगा बच्चों, 1 और 2 के बीच में भी क्या है यूनिटी डिस्टेंस है, 1 और 2 के बीच में भी क्या है यूनिटी डिस्टेंस है, तो इस यूनिटी डिस्टेंस को भी टोटल 6/5, और हमारे पास कितना आना चाहिए कहीं पर, ओहो आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है आपकी बुक में, है ना, आपकी बुक में यहाँ 5 लिखा हुआ है, सुनो मेरी बात ध्यान से। इसी तरीके से बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो जब आप 10/5 पे पहुँच गए तो ये किसको दिखा रहा होगा, 10/5 क्या होता है, 10/5 पूरी दुनिया को पता है, 5 1 5 5 2 10, 2 1 2 सॉरी 2 1 1 2, यानी कि 10/5 का मतलब 2 ही तो होता है, तो ये पॉइंट 2 को दिखा रहा है। आप समझो इसी तरीके से 1 और 2 के बीच में यूनिटी डिस्टेंस होता है, मैंने आपको बताया था 2 इंटीजर्स के बीच में यूनिटी डिस्टेंस होता है, तो 1 और 2 के बीच में यूनिटी डिस्टेंस है जिसको टोटल 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, चेक कर लीजिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, ठीक। तो यहाँ अगर 5/5 है तो नेक्स्ट होगा 6/5, नेक्स्ट होगा 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 11/5, 12/5, नेक्स्ट आना चाहिए आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ 13/5, नेक्स्ट होगा 14/5, और नेक्स्ट होगा क्या 15/5। अब सुनो 15/5 का क्या मतलब होता है, 15/5 का मतलब बच्चों क्या होता है, 15/5 का मतलब 5 1 5, 5 3 3 1 3, 15/5 का मतलब 3 ही तो होता है, यानी कि फिर से 2 और 3 के बीच में यूनिटी डिस्टेंस है, और यूनिटी डिस्टेंस को टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया गया होगा, 1 2 3 4 5, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या कहानी यहां पर चल रही है, क्या गेम चल रहा है। बहरहाल आंसर जो आपको देना था वो ये देना था कि A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1/5 को, B रिप्रेजेंट कर रहा है 4/5 को, C रिप्रेजेंट कर रहा है 5/5 को, यानी कि 1 को,
ओके, और डी रिप्रेजेंट कर रहा है 8 बाय 5 को और ई रिप्रेजेंट कर रहा है 9 बाय 5 को। बस कौन से लेटर्स कौन से पॉइंट्स को दिखा, कौन से रैशनल नंबर्स को दिखा रहे हैं ये हमें बताना था। तो हम यहां आंसर लिखेंगे ए रिप्रेजेंट्स 1 बाय 5, ए रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 1 बाय 5, बी रिप्रेजेंट्स 4 बाय 5, सी रिप्रेजेंट्स 5 बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 1, यानी कि सी रिप्रेजेंट्स 1, 1 भी एक रैशनल नंबर है, 5 बाय 5 भी एक रैशनल नंबर है, डी रिप्रेजेंट्स 8 बाय 5, कुछ भी लिख दो कि सी रिप्रेजेंट 5 बाय 5 या सी रिप्रेजेंट 1, कुछ भी लिख दो, ओके ठीक है। ज्यादा बेस्ट आंसर है कि सी रिप्रेजेंट व्हाट 1, ठीक। नाउ डी रिप्रेजेंट्स 8 बाय 5 एंड ई रिप्रेजेंट्स 9 बाय 5, ई रिप्रेजेंट्स मैंने एरो लगाया, आप लिखना इंग्लिश में पूरा जैसे यहां लिखा है, ई रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 9 बाय 5।